है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.ओपी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को CISF कांस्टेबल फायरमैन की बड़ी जानकारी देने वाले हैं, बड़ी अपडेट देने वाले हैं और बड़ी खबर है। कुछ ऐसे ज्ञानी महापुरुष होंगे जिन्हें ये खबर फेक लगेगी। तो दोस्तों प्लीज आप लोग यदि CISF कांस्टेबल फायरमैन में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और किसी का फॉर्म रिजेक्टेड नहीं किया गया है, सबका फॉर्म एक्सेप्टेड कर लिया गया है, तो दोस्तों आज हमने CISF के अधिकारियों से बात की। कॉल करके जो CISF का रिक्रूटमेंट नंबर है उस पर हमने कॉल किया और उन्होंने हमें क्या जानकारी दी, आगे हम आप लोगों को इसी वीडियो में कॉल रिकॉर्ड सुनाने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया और हर एक वीडियो में भी बताता हूँ कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ और जो भी जानकारी दूंगा सच्ची जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस कॉल रिकॉर्ड को सुनिए और बहुत सारे मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ कि जिन्हें फेक भी लगेंगे उन्हें लगेगा कि ये एक दूसरे से बात करके कॉल रिकॉर्ड किया है, बट नो। तो दोस्तों आप लोग भी CISF के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल का नंबर दिया है और कॉल का नंबर दिया है। यदि आप लोगों से कॉल लगाते हैं, यदि आप लोगों को कॉल रिसीव किया जाता है तो सच्ची जानकारी और जो भी जानकारी होगी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने हमारे जो CISF के अधिकारी हैं उन्होंने हमें कॉल रिकॉर्ड में क्या बताया। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद सर। सर हम लोगों को सर CISF फायरमैन का सर एग्जाम कब तक? फायरमैन का भी कोई एग्जाम कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, इसके बारे में होगा तो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जय हिंद।